बेटियां, भगवान का वो खूबसूरत तोहफा जिसे संजोने में आधी उम्र लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाती। ऐसी तमाम बातें हैं जो आप सबने सुनी होगी। बेटियों को पढ़ाना लिखाना क्यों है, उन्हें तो अगले घर चले जाना है, चूल्हा चौका सिखा दो काफी है। ये सब बातें पुराने जमाने की है, ये नया दौर है। आज की बेटी तो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। आज ये बात क्यों हो रही है, वो इसलिए क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में जहां महज महिलाओं की शिक्षा दर 36% है, वहां एक ऐसा अनोखा स्कूल बना है जिसे देखकर मानो लगता है वाह क्या कारीगरी है। दरअसल राजस्थान के थार रेगिस्तान के केंद्र में स्थित पीले बलुआ पत्थर से बनी एक स्कूल की इमारत अपनी विशेष वास्तुकला के साथ स्थिरता की कहानी बयां कर रही है, क्योंकि छात्राएं यहां बाहर की प्रचंड गर्मी से बचते हुए संरक्षित प्रांगण में बिना किसी चिंता के अध्ययन कर सकती हैं और खेल सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो यकीन मानिए ऐसा हुआ है। और अगर आप राजस्थान जाने की सोच रहे हैं, वहां भ्रमण करने की सोच रहे हैं, तो यहां जरूर जाएं और देखें कि यह खूबसूरत होने के साथ साथ कितना आरामदायक है और बच्चियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया गया है। ऐसे समय में जब राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा है और यहां गर्म हवा के साथ पूरे दिन रेत उड़ती रहती है, स्कूल का बेहतर पर्यावरण विद्यार्थियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। अब इस स्कूल के बारे में जानिए इसकी क्या खासियत है। स्कूल का जो भवन है उसे एक अंडाकार संरचना के साथ बनाया गया है। भवन के अंदर कोई एयर कंडीशनर नहीं है, मगर विपरीत मौसम के दौरान भी ये राहत प्रदान करता है। यहाँ खूबसूरत जालीदार दीवारें हैं जहाँ से तेज हवा आती है और पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। हवादार छत के साथ ही सौर प्रतिष्ठान एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। इसके साथ ही इस स्कूल में बच्चियों के लिए जो स्कूल ड्रेस है वो भी पूरी तरह से अनोखी है, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका डिजाइन मशहूर फैशन डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया है। इस स्कूल का नाम राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल है और इसकी इमारत डायना कैनलॉग आर्किटेक्ट्स की ओर से डिजाइन की गई है। इसे माइकल ट्यूब द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था CITTA की ओर से वित्त किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए लुभाना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लुभाने में पूरी तरह से कामयाब हो गया है। इसका उद्देश्य छात्राओं की माताओं और अन्य महिलाओं को बुनाई और प्रिंटिंग जैसे कौशल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है, ताकि लोग अपने सामानों को सही प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करने के साथ साथ बेहतर मूल्य के साथ बाजार में उतार सके। स्कूल भवन जैसलमेर के प्रसिद्ध सैम सेंट टिब्बा से केवल 6 मिनट की दूरी पर कनोई गांव में स्थित है। इसे आर्थिक तौर पर मजबूती के साथ ही जैसलमेर के पर्यटन, संस्कृति, शिल्प, कौशल और अन्य विशिष्ट पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि हालांकि मार्च 2021 में अपना संचालन शुरू करने की इस स्कूल ने योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण परिचालन शुरू नहीं हो सका, मगर स्कूल के अद्भुत डिजाइन ने पहले ही लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है, जो कि काफी प्रभावशाली दिखाई देता है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। इसके भवन को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये शैक्षिक तौर पर तो बेहतर है ही, साथ ही लोगों की आमदनी का भी एक स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला इंडिया।